गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। वेलकम इंजीनियर आजाद अहमद भट्ट, चीफ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज इवेंट मिस्टर विशाल रे, रीजनल कोऑर्डिनेटर जेके ईडीआई जम्मू, डॉक्टर अमित शर्मा नोडल ऑफिसर जेके ईडीआई कठुआ, डॉक्टर सीमा मल्होत्रा एचओडी इंग्लिश ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल जीडीसी कठुआ, प्रोफेसर राजकिरण, प्रोफेसर जसविंदर सिंह, प्रोफेसर केश सिंह कन्वीनर करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल, लैंप लाइटनिंग। For creating huge employment opportunities, industrialization center at state level in country. The government of J&K has established in the year 1991 Kashmir entrepreneurship. मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो कैरियर काउंसलिंग है हमारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां तो करते हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में एक ही जहन में होता है सरकारी नौकरी जिसमें हम पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेवार हैं। डिस्पाइट कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन माँ बाप ने ये जहन में या अपने किसी रिश्तेदार ने जहन में किया होगा नहीं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस केएएस बनना है। लाइफ इतनी नहीं है डॉक्टर इंजीनियर और कोई एडमिनिस्ट्रेटर, यही लाइफ नहीं है। लाइफ में आपको बहुत सारे इंसान चाहिए, अच्छे इंसान चाहिए। अच्छे इंसान हर एक अच्छा होता है लेकिन पेरेंट्स भी उसमें जिम्मेवार हैं, उसमें हम सोसाइटी भी जिम्मेवार है कि हमें भी उसमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में जब अल्लाह भगवान ने हमें दुनिया में लाया तो रोजगार देना उसी का काम है। वो रोज़गार किसी को नहीं बंद होता है, रोज़गार हर एक को मिलता है। जो परिंदा यहाँ दरख्त पर चलता रहता है, जो जंगलों में जानवर रहता है उसको भी वो मिलता है, वो जो लाइफ साइकिल है लाइफ साइकिल में उसको भी मिलता है वो चीज़। अगर कोई बर्फ़ में होता है वाइल्ड एनिमल उसको भी मिलता है, उसको उसी बर्फ़ में मिलता है वो चीज़। ऑनर देख के करना है काम। और एक बच्चे को जब ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है इसको अपना जो माइंड सेट है उस माइंड सेट को पहले इसको एक अच्छी कंपनी में रहना चाहिए। ये पेरेंट्स का भी हक बनता है कि वो उसको मॉनिटर करें, इसके फोन को शाम को चेक करें, इसका उठना बैठना कहाँ है। वो बड़ा इस वक्त आज के दौर में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आता है जाता कहाँ है, फिर दिन में कहाँ रहता है, कि इस चीज से दूर रहे, उस कंपनी से दूर रहे। जो कंपनी जो दोस्त एक दफा सिगरेट पिलाया, एक दफा ही पिलाया, मेरी आदत हो गई तो फिर मुझे चोरी करके वो पीना है तो मुझे क्या मिलेगा उस सिगरेट से, उस हुक्के से क्या मिलेगा, उसे मेरे लंग्स ही खराब हो जाएंगे, मेरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे जो सक्सेस स्टोरीज है या अच्छे लोगों की जो आपके पास फेम है तो हम सब अच्छा बन सकते हैं, सही काम कर सकते हैं। उसके लिए हमने अच्छी कंपनी और अच्छा माहौल उसको अपनाना पड़ेगा, ये जो गलत कंपनी है इसे दूर रहना पड़ेगा। ये तो एक पार्ट हुआ हमारा। हम कोई कैरियर भी काम करते हैं ना, मतलब कैरियर हमने चूज करना होगा तो कैरियर में समझो आपने कल मैट्रिक पास किया, टेंथ पास किया तो उस वक्त भी आप सही चॉइस नहीं कर पाते हैं कौन से सब्जेक्ट लेने। उस वक्त भी पेरेंट्स को ये नहीं कह आपको मेडिकल ही लेना है, आपको नॉन मेडिकल ही लेना है, आपको क्या लेना है क्या करना है,
इसलिए उस्ताद पीएचडी करके या दूसरा क्वालिफिकेशन करके हमारी लाइफ को संवार स्ट्रीम भी हम चूज कर सकते हैं। स्ट्रीम्स बहुत सारे हैं। अभी मैं राकेश सर से बात कर रहा था कि डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट, हमें अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली हमारा स्किल ठीक होगा, समझो हम टेलरिंग में अच्छा काम कर सकते हैं तो फैशन डिजाइन में जा सकते हैं। फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद यू, आई शैल बी डिस्कसिंग द बेसिक अबाउट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप थिंग विद यू। Though the main source person for this awareness program is our worthy director, and he shall be discussing the real experiences and other things about entrepreneurship with you all. So I'll try to finish my presentation in 15-20 minutes, and please bear with me. If you have any questions, feel free to ask me, and I would be more comfortable if I talk in Hindi Urdu so that you are also getting the point which I want to discuss. So I'll be discussing this and what are the challenges for these innovations. So anyone of you, do you understand what is innovation? Innovation से क्या मतलब है? आपको क्या समझ आता है? Innovation क्या है? किसी को कुछ समझ है? Innovation क्या है? Creativity क्या है? किसी ने कुछ सुना है? इनोवेट से आया है, जिसका मतलब है आप कोई भी चीज प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, डिजाइन में आप नई चीज बनाते हैं। तो कोई काम जो पहले से हो रहा है उसको अगर नए तरीके से हम कर सकते हैं तो इसको हम इनोवेशन कहते हैं। और इनोवेशन इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें इस्तेमाल होती है इंटरचेंजेबली। और उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम कोई नई चीज लाके अगर बिजनेस में आते हैं तो चीजों में हम इकोनॉमी में अपना फर्क जो है वो दिखा सकते हैं। बिहाफ ऑफ जीडीसी कठुआ एंड ऑल मेंबर्स ऑफ कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल, वेलकम श्री आजाद अहमद भट्ट, IAS, डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट J&K, इन टूडेज कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम। सर, आई डू होप दैट योर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स विल प्रूव हाईली बेनिफिशियल टू अवर स्टूडेंट्स। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट अवर स्टूडेंट्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड दे विल डेफिनेटली स्ट्राइव टू बिकम जॉब प्रोवाइडर्स rather than job seekers. Sir, one more thing which I would like to share is that we have long association with JKDI, and before corona pandemic our career counseling cell has regularly organized awareness programs in collaboration with JKDI. Dear students, you are lucky that today director JKDI himself has all the way come from Jammu to interact with you. If you have queries, you can ask at the end of the session. So I again welcome Vardhi, director JKDI,